नाजरीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कपास को गुलाबी सुंडी से कैसे बचाया जाए। देखें जी, 20 सितंबर तक तो जो टिंडे लगने हैं उनको बचाना जरूरी है, इसके बाद आ भी जाए तो कोई मसाला नहीं है। इस साल SS-32 को काफी फल लगा है और आपको पता है कि ये सुंडी जो है ना मीडियम साइज के टिंडों के ऊपर तकरीबन 12-15 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये टिंडे में दाखिल होती है। तो बात यह है कि सितंबर के पहले 3 हफ्तों में जो है ना 3 स्प्रे कर देना तो आपकी कपास बच सकती है। तो उस सिलसिले में मेरी ये गुजारिश है कि प्रोएक्सेस कर दें आप, अरिस्टा की प्रोएक्सेस 100 मिलीलीटर या बोल्टन, ये स्वात एग्रो के प्रोडक्ट गामा था या लोथ्रेन प्लस क्लोरपाइरीफास है, इन दोनों में से कोई एक दवाई जो है ना पहला स्प्रे कर दें। दूसरा स्प्रे जो है ना ये आप पोलिटेंट सी कर दें, या एम्प्लीगो कर सकते हैं। पोलिटेंट सी का पता है आपको, इसने तो अपना नाम कमाया हुआ है। तो एम्प्लीगो जो है ना क्लोरेंटा नीली प्लोर प्लस लेमडा सा येलोथ्रीन, ये भी ठीक है 160 मिलीलीटर के ऊपर है। तो यानी कि कीड़े का मुंह कौड़ा ही रखना है, ये नहीं भी एक स्प्रे करके तो फिर 10 दिन नेड़े ही ना आए, ये कीड़ा जो है नुकसान कर जाता है। तीसरा स्प्रे जो है ना यानी कि सितंबर के दरमियान में एंड पे जाके ताल स्टार कर लें। देखें बाइफेंथ्रिन के मुकाबले में ताल स्टार का रिजल्ट बेहतर है, ये या इससे भी बेहतर तो एलिवेस्ट है जिसके अंदर क्लोरेंटा नीलीफ्रोल और बाइफेंथ्रिन है, ये 150 मिलीलीटर के ऊपर ये कर लेना। ये 3 स्प्रे कर लें तो इंशाल्लाह सितंबर के दौरान जो है ना जितने भी टिंडे लगेंगे वो सब गुलाबी सुंडी से पाक रहेंगे।